हेलो स्टूडेंट, जेसी केमिस्ट्री क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट आप लोग कैसे हो? तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। स्टूडेंट आज मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो इलेवेंथ का स्टूडेंट हो, चाहे ट्वेल्थ का स्टूडेंट, चाहे बीएससी का स्टूडेंट, चाहे एमएससी का स्टूडेंट, मतलब केमिस्ट्री पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, किसी भी केमिस्ट्री पेपर के लिए या किसी भी केमिस्ट्री पोर्शन पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये जो टॉपिक है ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे नीट का स्टूडेंट हो, चाहे जेई का जेई लेवल का स्टूडेंट हो। तो आज हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन से हम किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करते हैं, या और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो नाम से ही क्लियर होगा, हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड मतलब, हाइब्रिड मतलब क्या होता है? मिक्सिंग होना। ठीक है, मिक्सिंग करना, मिक्स हो जाना, ठीक है, एक दूसरे से ऐड हो जाना, वो क्या कहलाता है? हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड। जैसे आपने हाइब्रिड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा हो, ठीक है, तो अब मिक्सिंग कौन करेगा? ठीक है, अभी मैं क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग होना, तो मिक्सिंग कौन करेगा? तो इसमें क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। कौन मिक्स होता है? ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? एस पी डी एंड एफ। ठीक है, अब यहाँ ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सभी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या मिक्स हो जाएंगे? ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, एस पी के साथ मिक्स होगा, एस डी के साथ मिक्स हो जाए, या फिर पी एफ के साथ। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मिक्सिंग के लिए भी क्या है? कुछ कंडीशन है। ठीक है, जो इस कंडीशन को फॉलो करता है वही ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं? हाइब्रिडाइज होते हैं, आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? सेम एनर्जी, सेम लाइफ स्ट्रक्चर, ठीक है, तो क्या है? सेम एनर्जी या फिर क्या हो? ऑलमोस्ट सेम हो, क्या हो? ऑलमोस्ट सेम हो। ठीक है, तो मिक्सिंग के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या हो? उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। तो हमको पता है एस की एनर्जी ऑलमोस्ट किसके सेम होती है? पी के। अब पी के किसके? डी के, और डी के एफ के। तो एस ऑर्बिटल जनरली किसके साथ मिक्स करेगा? किसके साथ? पी के साथ, पी डी के साथ, और डी किसके साथ मिक्सिंग करेगा? एफ के साथ। ठीक है, तो हम अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? जब सेम एनर्जी या ऑलमोस्ट सेम एनर्जी या स्ट्रक्चर वाले ऑर्बिटल जब आपस में मिक्सिंग करे या हाइब्रिडाइज करे, ठीक है, वही क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर वाले क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर, सेम ज्योमेट्री या सेम एनर्जी वाले क्या होता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वही क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अभी हम देखे, जैसे एस और पी के ऑर्बिटल, एस और पी की एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा? दोनों को भी डिफरेंट होगा, दोनों को एकदम सेम नहीं होगा, एग्जैक्ट सेम। लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जितने भी ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, जब सेम एनर्जी या सेम स्ट्रक्चर वाले
ये वाले ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करे, और मिक्सिंग से क्या करे, सेम स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री एनर्जी वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करे, वही क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। आप देखो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले एक एस ऑर्बिटल, अभी बताया कि एस और पी ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। तो सबसे पहले एस और पी, एस ऑर्बिटल किसके साथ मिक्सिंग करने आएगा, पी ऑर्बिटल के साथ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, एस पी, ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन गया हमारा, एस पी, एस पी हाइब्रिडाइजेशन। आप देखो यहां हम लोग देखेंगे इसका जियोमेट्री, और इधर देखेंगे इसका बॉन्ड एंगल। तो ये तो सबको पता है कि जो sp ऑर्बिटल होता है उसका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होता है, क्या होता है, लीनियर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक, ठीक है। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, रैखिक हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में उसको जिसको क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, लीनियर। अब इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, लीनियर मतलब ये इस टाइप से होगा, ठीक है, इस टाइप से होगा। इसका बॉन्ड एंगल कितना, लीनियर का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो दूसरा, अब एस क्या होगा, एक पी ऑर्बिटल और एक सेकेंड पी ऑर्बिटल दोनों के साथ क्या होगा, मिक्सिंग करेगा। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, sp2, ठीक है। क्या हाइब्रिडाइजेशन बन गया, sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल सबको पता है, ट्राइगोनल के स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस टाइप से, ठीक है। ट्राइगोनल के स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है। अब बॉन्ड एंगल कितना है ट्राइगोनल, सबको पता है, माइनस वाल क्या होता है, 120 डिग्री। अब थर्ड क्या होगा, एक एस तीन पी ऑर्बिटल के साथ मिक्स करने जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp3, ठीक है। sp3 क्या होता है इसका, टेट्राहेड्रल, क्या होगा ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, ये इस टाइप से बनेगा, ये होगा टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.28 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट चलो, एस क्या होगा, अब देखो अब ये तीन पी ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर लेगा, ठीक है। जैसे यहां अब तीन पी ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाएगा, तो अब इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो डी ऑर्बिटल के साथ भी क्या हो जाते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। तीन और पी ऑर्बिटल के आने से क्या हो जाए, एनर्जी की अब थोड़ी क्या हो गई, बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ गई तो क्या होते हैं, अब डी ऑर्बिटल के साथ भी मिक्सिंग करना ये क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो अब एक डी ऑर्बिटल आया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d, ठीक है। sp3d का क्या होता है ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में TBP, क्या बोलते हैं TBP। तो सबसे पहले एक ट्राइगोनल बना लो, ट्राइगोनल हो गया, अब बाइपिरामिडल ए, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो इसको बॉन्ड एंगल कितना होता है, ट्राइगोनल का भी देखे थे कितना था, 120, और बाइपिरामिडल का कितना होगा, 90। नेक्स्ट चलो, अब एक पी आ गया तो दूसरे पी को आने से कौन रोक सकता है, ठीक है। तो दूसरा डी भी आ जाता है तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। क्या होता है ये सबको पता है, इसका जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ओके क्लियर है। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये देखो, ये तो और ज्यादा इजी है, ऐसे बना लो, एक स्क्वायर बना लो,
अरे ऐसे ये तुम्हारा बन गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्लियर है, सभी के सभी बोन लेंथ क्या है इक्वल है, तो कितना हो जाएगा इसका बन एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट लास्ट चलो एस तीनों पी आया और एक डी को भी ले लिया अपने साथ, तो क्या बन गया sp3d3। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्री क्या होगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, इसको क्या बोलते हैं पीबीपी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ भाई, पेंटागोनल बोल रहे थे पेंटागोनल बना लो, अब बाय पिरामिडल बोल रहा है तो एक ऊपर और नीचे पिरामिडल बना है। ठीक है, तो पेंटागोन का कितना होता है 72, बाय पिरामिडल कितना होता है 90। तो ये है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। ठीक है, उसका ज्योमेट्री क्या बनेगा, स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा और साथ ही उसका बोन एंगल कितना होगा। ठीक है, ये क्या थे इसके टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें मिल गया या कोई कंपाउंड मिल गया, जैसे मान लो मेथेन दे दिया या फिर अमोनिया दे दिया जाए, ठीक है, उसका हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा या sp3 होगा, ठीक है, या फिर उसका ज्योमेट्री 120 होगा या 109 होगा। ठीक है, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन या संकरण होगा। ठीक है, यही से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, साथ ही तुम्हारे हर लेवल के स्टूडेंट 11th 12th चाहे BSc के स्टूडेंट सबसे पूछा जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाइए, इसकी ज्योमेट्री समझाइए। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको भी हम लोग देखेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे। तो मैं इसको नहीं मिटा रहा था अभी थोड़ा देरी के लिए, ठीक है, थोड़ा देरी के नहीं मिटा रहा था। देखो यहीं से देखते हैं हम लोग केस नंबर फर्स्ट, अलग अलग केस में देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल का हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं सिंपल मॉलिक्यूल के लिए, सिंपल मॉलिक्यूल के लिए आप कोई सा भी सिंपल मॉलिक्यूल ले ले, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल ले ले, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। जैसे हमारे सामने एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं CH4, क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। ठीक है, अब पूछा कि मीथेन का ज्योमेट्री बनाइए, ठीक है, ज्योमेट्री बनाने के लिए हमको इसका सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक सेंटर एटम होता है और क्या होते हैं बाकी वैलेंस एटम होते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले सेंटर एटम इसमें कौन है, कार्बन, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, कार्बन, तो इसका सेंटर एटम कौन हो गया, कार्बन। तो सबसे पहले जो सेंटर एटम है उसको लिखो क्या हो गया, कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना 6, क्या लिखोगे 2 and 4, क्या लिखोगे 2 and 4। तो अब जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको ऐसे क्रॉस बना लो 1 2 3 and 4। ठीक है, क्या बना लिया 1 2 3 and 4। अरे थोड़ा इसको भी इरेज कर दे रहा हूं मैं, 1 2 3 and 4। ठीक है, 4 देखो 1 2 3 and 4। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, एक होती है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा अटैच होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक हाइड्रोजन हो गया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके साथ एक और इसके साथ एक। ठीक है, अब क्या होगा जितने भी बॉन्ड हैं, ठीक है, जितने बॉन्ड बन रहे हैं उनको क्या कर लो तुम, काउंट कर लो। देखो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया और ये क्या हो गया 4, कितने आ रहे हैं 4। अब देखो 4 बॉन्ड किसमें आ रहे हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो काउंट करो। जैसे ये सेंटर एटम रहता इसमें काउंट कर, देखो यहाँ P के कितने हैं 2 और S के कितने हैं 1, तो कितना है 3। इसमें देखो P के कितने हैं 3,
एस के कितने हैं, एक, ठीक है, तो कितने हो रहे हैं, चार। यहाँ एस के कितने हैं, एक, पी के कितने हैं, तीन, और डी के कितना है, एक, तो कितने हो रहे हैं, पांच। यहाँ एस के एक, पी के तीन, और डी के दो, तो कितना हो रहा है, छह। ठीक है, यहाँ कितने थे, एक और एक दो तीन, और यहाँ एक के एस और पी के तीन, कितने हो गए, चार। अब देखो यहाँ कितने आ रहे थे हमारे पॉइंट, चार। अब चार किस में आ रहा है, एस पी थ्री में, किस में आ रहा है, एस पी थ्री में, मतलब मेथेन में कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा, sp3। हमको पता चल गया मेथेन का हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा, sp3, क्योंकि इसमें भी बॉन्ड चार आ रहे हैं, और जो sp3 हाइब्रिडेशन है उसमें भी कितने नंबर ऑफ बॉन्ड हैं, चार। ठीक है, मतलब मेथेन में कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा, sp3। अब sp3 का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। मेथेन का भी स्ट्रक्चर क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल, तो क्या होगा, इसका स्टेप सी स्ट्रक्चर बनता है। कार्बन कितने हाइड्रोजन है, चार, ठीक है, तो ये किसके स्ट्रक्चर हो गए, मेथेन का। तो अब हमको पूछा जाए मेथेन का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री क्या होगा, तो हम बता सकते हैं मेथेन का ज्योमेट्री क्या होगा, क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.28 डिग्री। क्लियर है, ये सिंपल मॉलिक्यूल है। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाले, जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, सेकंड एग्जांपल PCl5, वेल नोन ये कंपाउंड है, इसके बारे में मैक्सिमम लोग सुने ही होंगे। ठीक है, PCl5, अब इसका पूछा कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए या ज्योमेट्री बनाइए। ठीक है, सबसे पहले देखो फास्फोरस सेंटर एटम कौन है, फास्फोरस एटम नंबर कितना है, 15, तो क्या लिखो, 2N5। ठीक है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 5। अब वो जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसको वैसे क्रॉस बना लो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब क्या करो, उसके साथ कौन कौन जुड़ा है, क्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, एक एक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इसके साथ और इसके साथ, पांचों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। अब क्या करो, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, उसको काउंट कर लो, देखो 1, 2, 3, 4, 5 कितने आ रहे हैं, 5 बोन कितने आ रहे हैं, 5। अब देखो इसमें किसमें नंबर ऑफ बोन कितने आ रहे हैं, 5 यहाँ आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, sp3d। ठीक है, sp3d में क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ बोन कितने आ रहे हैं, 5। अब देखो sp3d इसका ज्योमेट्री क्या बनता है, ये TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो मतलब PCl5 का भी ज्योमेट्री क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो बना लो, ये फास्फोरस हो गया, 3 क्लोरीन और 2 बाइपिरामिड में जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया PCl5 का स्ट्रक्चर। अगर इसका बॉन्ड एंगल पूछा तो कितना होगा, 128 ट्राइगोनल वाले का, और बाइपिरामिडल का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो ये तो इजीली सबसे बन जाता है, या इजीली कोई भी क्या करता है, आसानी से निकाल देता है। तो इतना क्लियर है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगले केस की ओर। ठीक है, अगले टाइप के मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो अगला हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, लोन पेयर। ठीक है, उसके लिए हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। केस नंबर सेकेंड, लोन पेयर कंपाउंड। ठीक है, LP या लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ऐसे वाले कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है। देखो इसमें कैसे निकालते हैं, जैसे मैं सबसे पहले क्या करूँ, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं। तो सबसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं,
NH3, अमोनिया, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि अमोनिया का जियोमेट्री बताइए, अमोनिया का बॉन्ड एंगल बताइए, कैसे निकलेगा, क्या होगा। तो देखो इसमें सेंटर एटम कौन है, बहुत ही इजी है। देखो सेंटर एटम क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो क्या लिखेंगे, 2 और 5। देखो देखो क्या आ रहा है, लास्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 5, तो इसको वैसे काउंट कर लो, 1 2 3। कहाँ इसको बताऊं, यहां बताता हूं, देखो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 5, वैसे क्रॉस कर लो, 1 2 3 4 और 5, 5 आ गया। आप देखो इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो तीनों हाइड्रोजन तो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको जुड़ने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बच गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, ये क्या हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए जो वैलेंस एटम प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या बन गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस क्या होते हैं, लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, वही क्या होते हैं, लोन पेयर। तो जो लोन पेयर होंगे उनको हम लोग क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सर्कल में काउंट कर लेंगे, ठीक है, ये क्या हो गया, लोन पेयर, पेयर मतलब क्या होंगे, जोड़े में होंगे। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे काउंट करेंगे, तो इसमें भी जितने भी बॉन्ड है उसको हम लोग काउंट करते जाएंगे, तो 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ जो लोन पेयर है उसको हमको एक ही काउंट करना है, 2 काउंट नहीं करना है, ठीक है। देखो 1 2 3 और 1 कितना होगा, 4, कितना आ गया, 4। अब देखो 4 किसमें आ रहा है, अब यहाँ और एक बार मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोन पेयर है उसको हमको एक ही काउंट करना है, ठीक है, पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 नहीं काउंट करना, कितना करना है, 1 काउंट करना है, क्योंकि लोन पेयर मतलब एक पेयर को हम एक ही काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 4 मतलब किसमें आ रहे हैं, sp3 यहाँ, ठीक है, और sp3 का क्या आ रहा है, ज्योमेट्री क्या आ रहा है, टेट्राहेड्रल, तो इसका स्ट्रक्चर बना लो, क्या बोला मैंने टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो देखो टेट्राहेड्रल, तो ये टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री है, क्या होगा बीच में, क्या होगा, नाइट्रोजन, कितना हाइड्रोजन है, 3। अब एक साइड क्या है इसका, लोन पेयर, ये तो इसका ज्योमेट्री, आज हम केवल इसका ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसका शेप या स्ट्रक्चर, शेप के बारे में और उसके बॉन्ड एंगल के बारे में, ठीक है, क्या करेंगे, दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम उसकी ज्योमेट्री देखेंगे। तो जो अमोनिया है उसकी ज्योमेट्री क्या हो, क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, इसको पिरामिडल शेप भी बोलते हैं, ठीक है, बेंड शेप भी बोलते हैं, शेप की बात किया जाए तो, ठीक है। तो ये लोन पेयर वाले कंपाउंड है, लोन पेयर वाले, अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, जैसे तुमको पता है H2O वाटर, क्या होगा, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताओ, क्या होगा, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 कितना होगा, 2 और 6, 1 2 3 4 5 और कितना होगा, 6, ठीक है। अब कितना हाइड्रोजन है, 2 1 और 1 2, अब बाकी तो इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन नहीं है, केवल कि इतने हाइड्रोजन थे, 2 ही, तो ये सब किस क्या कहाँ काम करेंगे, लोन पेयर, तो ये दोनों एक लोन पेयर बन गए, ये दोनों एक लोन पेयर बन गए, ठीक है। आप बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 और 4, 4 मतलब क्या होता है आपका, sp3, अब sp3 आ गया, तो इसका स्ट्रक्चर बना लो, sp3 का स्ट्रक्चर क्या बनता है, ये बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन होंगे और 2 क्या होंगे, लोन पेयर, ये H2O का स्ट्रक्चर है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन शेप इसका क्या होता है, वी शेप होता है, बेंड शेप होता है, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर
मॉलिक्यूल। अब हम लोग चलते हैं थर्ड केस की ओर, ठीक है। थर्ड केस चलते हैं, ठीक है। क्या होता है लार्ज एटॉमिक नंबर सेंटर एटम कंपाउंड। लार्ज सेंटर एलसीए बोल सकते हैं, लार्ज एटॉमिक नंबर। जब कोई भी सेंटर, जब कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसमें कोई जब सेंट्रल एटम है उसका अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, ठीक है, तब उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हमारे सामने कोई मॉलिक्यूल दे दिया, IF7, क्या दे दिया IF7, ठीक है, तो आयोडीन सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन एटॉमिक नंबर कितना है 53, ठीक है। तो अब हमको 53 को इस फॉर्म में लिखना है 2818, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर है, 2818 32, ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमको टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग है, ठीक है। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि हम सही ही निकाले, ठीक है, क्योंकि कई सारे मॉलिक्यूल एक्सेप्शनल केस रहता है, तो वो क्या हो जाता है, रोंग आता है या गलत आता है। और दूसरी बात, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता कि हम उसको इस फॉर्म में क्या करें, निकालते रहे। तो इसको देखो, मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि हम कोई भी मॉलिक्यूल, लार्ज एटम वाले मॉलिक्यूल का हम कैसे तुरंत बता सकते हैं कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आप बताओ, ये आयोडीन किसके कौन से ग्रुप का है, 17 ग्रुप का, इस कौन से ग्रुप का है, 17 ग्रुप का। 17 ग्रुप में कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो इसीलिए जो पीरियोडिक टेबल है, मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था, कि पीरियोडिक टेबल हमको जानना क्यों जरूरी है, पीरियोडिक टेबल का क्या यूज है, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे अगर हमें फ्लोरीन के बारे में डिटेल नॉलेज है, फ्लोरीन के बारे में हम डिटेल नॉलेज है, फ्लोरीन के बारे में हर चीज जानते हैं, तो हमको आयोडीन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब मैं वहां पढ़ा तो बताया कि अपर एलिमेंट जैसे कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी शो करेगा, वैसी प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, उस ग्रुप में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, मतलब फ्लोरीन जैसे कैरेक्टर शो करेगा वैसे क्लोरीन भी शो करेगा, वैसे ब्रोमीन भी शो करेगा, वैसे आयोडीन भी शो करेगा, ठीक है। जैसे देखो, सबको पता है, जैसे इसका कितना होता है 2 और 7, 2 8 7, देखो लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आया है, क्लोरीन के भी कितने आ रहे 7, इसका भी लिखोगे तो लास्ट में कितना आएगा 7, इसका भी कितना लिखोगे 7, इसकी भी वैलेंसी देखो क्या है -1, इसकी भी क्या होगा -1, इसकी -1। अपर एलिमेंट जैसे नेचर शो करेगा, लोअर एलिमेंट वैसे शो करेगा। जैसे हम देखो कोई और ग्रुप को ले लेते हैं, जैसे मान लो नाइट्रोजन ग्रुप को लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमन और बिस्मथ। नाइट्रोजन देखो क्या होता है 2N5 लास्ट में 15, इसका भी देखो 2N क्या है 5, आर्सेनिक का भी लिखोगे तो लास्ट में कितना आएगा 5 5 5, ठीक है। बोलने का सेंस क्या है कि अगर पीरियोडिक टेबल हमको पता है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन पता है, ठीक है, ग्रुप्स के बारे में हम जानते हैं, तो हमें केमिस्ट्री पढ़ने में क्या होगा, ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। जैसे देखो यही पता चल गया, तो यहाँ हम किसका निकालना था, आयोडीन का, ठीक है, तो आयोडीन का निकालने के लिए हम किसका निकाल लें, फ्लोरिन का, तो फ्लोरिन का निकाले तो पता चल गया कितना आया 7। तो जब फ्लोरीन का 7 आया तो ये तो उसी ग्रुप का है, तो आयोडीन का भी कितना है 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड कितना होगा 7, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 7, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन की वैलेंस कितना होता है 1, अभी तो ये निकाला था फ्लोरीन की वैलेंस कितना होता है 1, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, एक एक, इससे एक फ्लोरीन जुड़ेगा, इससे एक फ्लोरीन जुड़ेगा, इससे एक, इससे एक, इससे
कितने थे, सेवन, और सेवन फ्लोरिन एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, जुड़ गया। अब क्या करो, जल्दी से इसका बॉन्ड काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखो सेवन बॉन्ड कहाँ आया है, कहाँ आया है, यहाँ आया था, एक एस का, 3 पी का और 3 बी का, कितना है, 7। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, पीबीपी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देखो इसके स्ट्रक्चर में बना लेता हूँ, पेंटागोनल बना लिए हम, सेंटर एटम कौन है, आयोडीन, फ्लोरीन है, वैलेंस एटम कौन है, फ्लोरीन है, कितने, 7। ठीक है, तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर है क्या, IF7 का। ठीक है, तो ये एग्जांपल था कि अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड है, ठीक है, उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। जैसे और एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, और अच्छा सा इजी सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं ज़ेनॉन का, XeF4। अब ये मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ज़ेनॉन कौन से ग्रुप का है, ज़ेनॉन कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 18 क्या होता है, हीलियम, हीलियम को छोड़ो, या पर नियॉन से काम करो, नियॉन, आर्गन, क्रिप्ट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और हेलोन। ठीक है, तो देखो नियॉन एटॉमिक नंबर कितना है, 10, 2 एंड 8, क्योंकि ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 53। तो इसको भी लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है, बड़ा है, तो इसको 2, 8, 18 ऐसे लिखने उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपर एलिमेंट को देखते हैं कौन है, नियॉन, तो इसका भी वैसे निकाल लेते हैं, कितना है, 2 और 8। देखो इसका भी वही आएगा, आर्गन का भी 2, 10 और 8। ठीक है, नियॉन का लास्ट में से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8, मतलब ज़ेनॉन का भी कितना आएगा, 8 ही, तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अब देखो इसके साथ कितने फ्लोरीन अटैच हैं, 4। ठीक है, फ्लोरीन की वैलेंस अभी देखे थे कितना होता है, कितना होता है, 1, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच होगा, 1, 2, 3, 4। अब देखो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बच गए, अब किसका काम करेंगे, लोन पेयर का, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बना लो, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बना लो। अब क्या करो, जल्दी से इसका बॉन्ड काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 आया, 6 मतलब क्या होगा, sp3d2, क्या होगा, sp3d2। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूं, मेरे को लगता है ये सबको याद हो गया होगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा, कैसे काउंट किए हैं, कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्री याद हो गया होगा। तो इसका क्या आया अभी, sp6 आया, sp3d2, तो sp3d2 का क्या होता है, ऑक्टाहेड्रॉन। ये इसका स्ट्रक्चर है, ज़ेनॉन ZN, ZD दोनों लिखते हैं। तो देखो कितने फ्लोरीन है, 4, और 2 क्या हम मिल गया अनुपेयर। ठीक है, तो ये तुम्हारा मॉलिक्यूल था XeF4 का ज्योमेट्री, क्लियर है। तो चलते हैं हम लोग अपना लास्ट केस, केस 4 की ओर। ठीक है, केस 4 की ओर डिस्कस है। अच्छा, और एक दो केस है, लेकिन आज हम आज के लेक्चर में केवल केस नंबर 4 तक देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ और केस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना क्लियर है कि अगर आपको केस 4 तक अच्छे से आता है, ठीक है, केस 4 तक पता है, तो आप जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, या कोई किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में आप स्टडी करते हो, या कोई भी मॉलिक्यूल आता है एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया है उसके हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, तो हम आप आसानी से क्या कर सकते हो, उस मॉलिक्यूल को बता सकते हो, उसके ज्योमेट्री का बता सकते हो, उसके शेप स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हो, उसके
बोन एंगल के बारे में बता सकते हो। तो केस नंबर फोर क्या है, जब मिक्सिंग वैलेंस एटम हो, ठीक है, क्या हो, जब सेंटर एटम के साथ मिक्सिंग वैलेंस एटम क्या हो, जुड़े हो, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल, जैसे मिक्सिंग और जैसे मतलब उसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़े हो या क्लोरीन भी जुड़े हो, साथ में उसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़ जाए, ठीक है, ऑक्सीजन भी जुड़ जाए या फिर नाइट्रोजन भी जुड़ जाए, इस टाइप से मॉलिक्यूल, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो HCO2F2, ठीक है, ज़ेनॉन का कंपाउंड है, इसके साथ देखो ऑक्सीजन भी जुड़ा है और साथ में क्या जुड़ा है, फ्लोरीन भी। तो अब हमारे पास यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम इसका कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो देखो फ्लोरीन, अभी तक तो हम लोग देख रहे थे जिनका वैलेंसी एक है, ठीक है, वन है, लेकिन हम देखो ऑक्सीजन आ गया और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, टू, ये तो पता है, 2 और 6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना है, 2। तो ये तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, हम जैसे प्रोसीजर अभी तक अप्लाई कर रहे हैं सेम वैसी प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ जाएंगे जीनोन, सेंटर इंटरमीडिएट जीनोन, एटॉमिक नंबर अभी निकाले थे, अभी निकाले थे कितना आया था, 8, नियॉन का कोड निकाला था कितना आया था, 8, 8 इलेक्ट्रॉन जल्दी से बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, कितना आ गया, 8। आप देखो ये जो दो फ्लोरीन है, सबसे पहले फ्लोरीन को लेते हैं, फ्लोरीन की वैलेंसी एक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ गया। अब ऑक्सीजन, अभी बताया ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कितने है, 2, मतलब ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, 2 2, ठीक है, क्यों, कोई एटम अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे एटम से क्या करता है, जुड़ता है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना है, 2, ठीक है, इसको दो, ये दो को नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी वैलेंसी 2 है, अभी निकाला था किसी भी ऑक्सीजन, चाहे यहाँ ऑक्सीजन 1 रहता तो भी एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, 2, ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन 2 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा ऑक्सीजन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या बच गए, इसके लिए जुड़ने के लिए यहाँ कोई आइटम नहीं है, तो ये क्या बन जाएंगे, लोन पेयर, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, लोन पेयर। तो कौन कौन करो, 1 और 2, अच्छा, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये दोनों के दोनों काउंट नहीं होंगे, ये कितने काउंट होंगे, सिंगल, क्यों, क्योंकि ये तो पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते, तो तुमको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, और सिंगल बॉन्ड में तो सबको पता है क्या होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, तो केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, 1, 2, 3 एंड कितना हो गया, 4, और ये लोन पेयर वाला कितना हो गया, 5, ठीक है, तो HCO2F2 कितना आ रहा है, 5, ठीक है, तो 5 मतलब क्या होता है, 5 मतलब क्या होता है, sp3d और sp3d क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये, ठीक है, अब जल्दी से देखो सेंट्रल एटम कौन है, ज़ेनॉन, ठीक है, कितने ऑक्सीजन है, 2, कितने फ्लोरीन है, 1 2, ठीक है, 2 फ्लोरीन है और कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये हो गया, एक लोन पेयर हो गया, और क्या बच गया, ऑक्सीजन,
ये, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब देखो sp3d के स्ट्रक्चर में बहुत सारा अलग अलग केस बनता है, क्योंकि इसका बोन एंगल क्या होता है अलग अलग, इसका लीनियर बोन एंगल है, इसका इक्वेटोरियल बोन एंगल है, दोनों की लेंथ क्या होती है डिफरेंट होती है, इसलिए क्या होता है लोन पेयर कहाँ जाके जुड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कहाँ आके जुड़ेगा, लोन पेयर वाले कहाँ जुड़ेगा। तो इसको हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में या अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या है, कैसे जोड़ते हैं। अभी तो मैं ऐसी किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी एटम को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, किसी भी बॉन्ड लेंथ, किसी भी बॉन्ड लेंथ में जाकर क्या किया जोड़ दिया। तो ये था अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम जुड़े हो, ठीक है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो ये था केस नंबर 4। आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकला है। और एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग आज का, क्या देख लें, जेनन का ही देख लें क्या, Fe4, ठीक है, जेनन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, जल्दी से बनाए बनाता हूँ जेनन एटॉमिक नंबर, आप ढूंढना अपने कॉपी में 54, तो अभी 54 तो किसके थ्रू हमने निकाले, नियॉन कितना आया था 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंस कितनी होती है, अभी काउंट किया था हम लोग 2, कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, 2, 2, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, लोन पेयर बच ही नहीं रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, अब काउंट कर लो सिग्मा क्या होगा, एक एक ही सिग्मा होगा, सिग्मा काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, क्या आएगा 4, 4 मतलब क्या होगा sp3, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ज़ेनॉन, ये sp3। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहा है, 2, 2, तो यहाँ कितना बॉन्ड दिखाएंगे हम लोग, 2, 2, ठीक है, ये है HCO4 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, तो आज हमने केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 के बारे में डिस्कशन किया। आज हम ये हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री या उसके शेप या उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ और कंपाउंड के बारे में कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कुछ और एक्सेप्शनल केस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या बोन एंगल कैसे चेंज होता है, लोन पेयर के आने से बोन एंगल कैसे चेंज होता है, जैसे अमोनिया, मेथेन या वाटर, तीनों का ही हाइब्रिडाइजेशन देखें sp3 आता है, लेकिन तीनों का बोन एंगल और शेप क्या है अलग अलग, ठीक है, तो कल हम कुछ और अलग कुछ डिफरेंट केस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का क्लास इतने ही तक, ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा।